बुधवार रात अचनेरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अचनेरा पुलिस और एसओजी सर्विलांस पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी डीपी तिवारी ने बताया कि इस बदमाश ने क्षेत्र में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। बुधवार रात अचनेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अचनेरा पुलिस एसओजी टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी डीपी तिवारी ने बताया कि बुधवार रात को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर अपराधी ब्यारा गांव से तुर्किया नहर होते हुए भरतपुर की तरफ भाग रहा है। उसका पीछा एसओजी प्रभारी पश्चिमी कर रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक डीपी तिवारी पुलिस फोर्स के साथ भरतपुर रोड से तुर्किया नहर की तरफ वितरित दिशा से घेराबंदी की गई तो सामने से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। शातिर बदमाश ने पुलिस वालों को देखकर कच्चे रास्ते पर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया तो बदमाश की बाइक फिसल गई। बदमाश ने अपने को घेरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 3 फायर किए। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा करते हुए जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में फायर कर बदमाश को घायल कर दिया। थाना प्रभारी डीपी तिवारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का नाम शेर खान उर्फ अंशु पुत्र पप्पू खान थाना मनिया धौलपुर का रहने वाला है। पकड़े गए बदमाश ने थाना अचनेरा के गाँव कुकथला में बारात में लूट की घटना, मलपुरा क्षेत्र में हुई लूट की घटना, फरह मथुरा में हुई लूट की घटना को स्वीकार किया है। शातिर बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पकड़े गए अपराधी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 3 कारतूस, लूट का मंगलसूत्र और 25,000 रुपए की नगदी बरामद की है। पुलिस ने घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। देखिए, आज संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान अचनेरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लगभग एक माह पूर्व कुकथला क्षेत्र में बारात में लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त भरतपुर रोड की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहा है। इस सूचना पे पुलिस के वहाँ पहुँचने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जो अभियुक्त के दाहिने पैर में लगी है। घायल अभियुक्त की पहचान शेर खान उर्फ अंशु पुत्र पप्पू खान के रूप में हुई है और उसे इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त पर चोरी, लूट, NDPS और गैंगस्टर आदि के लगभग 19 मुकदमे हैं और वो 25,000 का इनामिया भी है। घटनास्थल से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल हीरो करिश्मा, 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु और 25,000 रुपये बरामद किए गए हैं। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। प्रहते दर्पण न्यूज़ के लिए अचनेरा से ईसू चनानी की रिपोर्ट।